हेलो गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गॉसिप में। राकेश बापट ने दी है दिव्या अग्रवाल को धमकी, जहां पर वो काफी ज्यादा रूड बोलते हुए नजर आए दिव्या अग्रवाल के साथ। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शमिता जो है वो एक एक आंख भी एक्चुअली में दिव्या को देखना नहीं चाहती, वो दिव्या को अंदर से नफरत करती है, ये साफ तौर पे शमिता के फेस पे दिखाई देता है। राकेश बापट जो है वो दिव्या के साथ बात करते थे, दिव्या को अच्छा दोस्त बनाया था, पर शमिता के साथ बात करने के बाद वो खुद दिव्या के अगेंस्ट हो चुके हैं। इसी दौरान ही दिव्या जो है बात करने के लिए राकेश के पास आती है, राकेश भी उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं और उसके बाद दिव्या वापस किचन में चली जाती है, जहां पर वो शमिता को हंसते हुए देखती है, जहां पर शमिता बोलती है ये लड़की नॉर्मल नहीं है। फिर दोबारा से आके दिव्या जो है शमिता को कुछ बोलती है, जहां पर राकेश जो है राकेश की आंखें फट जाती है और वो बोलती है एक बार और मत बोल देना, बस बस, बहुत ही रूडली। तो वहां पर दिव्या बोलती है क्या कर लोगे आप, क्या दे रही हो धमकी, क्या कर लोगे आप, बस एक बार और बोला तो देख मैं क्या करता हूं। इस तरीके से वो रूडली बात करती है, सीरियसली मुझे भी काफी ज्यादा रूडली वो बिहेव लगा राकेश का दिव्या अग्रवाल की तरफ, जहां पर दिव्या अग्रवाल उनको उल्टा यही पूछ रहे कि आप क्या कर लोगे, वहां पर दिव्या अग्रवाल को इतना रूडली राकेश बापट बोल रहे थे। जहां पर शमिता ने जहर भर दिया है राकेश बापट के माइंड में दिव्या अग्रवाल के खिलाफ, भाई जो दिख रहा है वही मैं बोलती हूँ, अगर शमिता के कोई फैंस को बुरा लगे कि मैंने ये बात बोली है तो भाई आप बुरा लगा के बैठो, क्योंकि शमिता ये चीज कर रही है जो चीज मैं बोलती हूँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।